फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मार्केट सीखो जी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक और शानदार कंपनी के बारे में जो अभी हाल ही फिलहाल के अंदर लिस्टेड हुई थी आईपीओ के अंदर, जिसका नाम है प्रूडेंट कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विसेज। तो फ्रेंड्स, अब हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर आने वाले टाइम के अंदर हम जो अभी रिसेंट में जो आईपीओ लिस्टेड हुए हैं उनमें से कुछ बेहतरीन कंपनियां जो इनके फंडामेंटल्स स्ट्रोंग है और जिनके अंदर पोटेंशियल है आने वाले टाइम के अंदर कि वो ऊपर जा सकती हैं, तो उनको हम फिल्टर कर कर आपके लिए लेकर आएंगे ताकि आपकी पूरी तरह से नई कंपनियों के अंदर हेल्प की जा सके। और फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल हम बात करने वाले हैं प्रूडेंट कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विसेज के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रेलिवेंट होने वाला है। और हाँ फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप भी चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा 100% जेन्युइन कंटेंट। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जिन फ्रेंड्स को नहीं पता कि ये कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, तो उनको मैं एक बिल्कुल सिंपल भाषा के अंदर मैं बताना चाहूँगा इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए ये फ्रेंड्स, ये कंपनी ना रिटेल वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर काम करती है। रिटेल वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर कई चीज़ें आती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स आते हैं, लाइफ इंश्योरेंस आते हैं, स्टॉक ब्रोकिंग आती है, प्रॉपर्टी बिजनेस आते हैं और लोन्स डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो ये कंपनी ये सारे काम करती है। ये म्यूचुअल फंड को भी डिस्ट्रीब्यूट करती है, इंश्योरेंस भी बेचती है, स्टॉक ब्रोकिंग भी करती है, प्रॉपर्टी का भी बिजनेस है और लोन सेगमेंट के अंदर भी ये कंपनी काम करती है। और देखिए, ये कंपनी बता रहे हैं कि इनकॉर्पोरेट हुई थी 2003 से और अभी हाल ही फिलहाल के अंदर इसका आईपीओ लिस्ट हुआ है। और यहाँ देखिए क्लियर मेंशन कर रखा है, ये कंपनी ऑफर करती है म्यूचुअल फंड्स प्रोडक्ट्स को, लाइफ और जनरल इंश्योरेंस को, स्टॉक ब्रोकिंग को, SIP को। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये गोल्ड एक्यूमुलेशन प्लान भी है इनके पास, इसका एसेट एलोकेशन का भी प्लान है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, की पॉइंट्स के अंदर यहाँ बता रखा है ये कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट ऑफर करती है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि ये कंपनी म्यूचुअल फंड के अंदर स्पेसिफिकली डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, और इसके अलावा इंश्योरेंस, PMS, AIF, FD, बॉन्ड्स, अनलिस्टेड इक्विटी, स्टॉक ब्रोकिंग सॉल्यूशन, लोन्स, NPS। तो काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे कि डिवर्सिफाइड इनका बिजनेस सेगमेंट है। और फ्रेंड्स, आपको भी पता है कि अगले 15-20 साल इंडिया के कितने ज़्यादा बुलिश हैं हम और इंडिया की मार्केट के अंदर कितना ज़्यादा बड़ा बूम आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर ये सब होता है तो डेफिनेटली एक रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन कैसे हो सकता है, आप भी सोचिए। या तो वो डायरेक्ट इक्विटी के अंदर आएगा या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू आएगा। तो कहीं ना कहीं वैल्यू माइग्रेशन का कंसेप्ट भी इस कंपनी के साथ इसकी हेल्प करेगा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट करने का। अगर जो भी फ्रेंड्स मन बना रहे हैं तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कंपनी जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है उसके साथ ये किस ब्रांडिंग के साथ करती है, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा। कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है वो फंड्स बाज़ार के नाम से है, और जो कंपनी ये म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो करते हैं प्रूडेंट कनेक्ट के नाम से। इसके अलावा जो कंपनी इंश्योरेंस सेल करती है वो करती है पॉलिसी वर्ल्ड के नाम से। इसके अलावा ये कंपनी जो रेडीमेड स्टॉक बास्केट बेचती है, मतलब पोर्टफोलियो होता है रेडीमेड स्टॉक्स का, तो उसको ये कहते हैं वाइस बास्केट के नाम से ये अपना प्रोडक्ट सेल करती है। इसके अलावा जो कंपनी की बाय और सेल इक्विटीज़ है वो है प्रू बाज़ार के नाम से। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह से काफ़ी ज़्यादा और इसके अलावा ये जो लोन बेचते हैं वो क्रेडिट बास्केट के नाम से लोन बेचते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स डिवर्सिफाइड बिजनेस है। और मैं अब आपको लेके चलना चाहूँगा इस कंपनी की वेबसाइट के ऊपर और मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस कंपनी के बारे में। तो देखिए, हम इस कंपनी की वेबसाइट पे आ चुके हैं। ये देखिए, ये कंपनी के ब्रांडिंग है जो मैंने आपको अभी बताए। तो ये इनकी वेबसाइट्स हैं, इस पे आप विज़िट कर सकते हैं और कंपनी के प्रोडक्ट्स को आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ कंपनी ने क्लियर बता रखा है कि इनका म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, इसके अलावा देखिए स्टॉक ब्रोकिंग का काम है,
इसके अलावा एफडी के प्रोडक्ट्स भी इनके पास, और इसके अलावा देखिए प्रॉपर्टीज़ है, लोन है, तो हर सेगमेंट के अंदर रिटेल इन्वेस्टर के साथ ये हाथ से हाथ मिलाकर चल रही हैं। और यहाँ कंपनी ने देखिए अपनी वेबसाइट के अंदर दावा किया है कि इनके पास मोर देन 14 लाख कस्टमर, हैप्पी कस्टमर है, मोर देन 16 लाख सिप इनकी चल रही है, और इसके अलावा एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर ये 46,849 करोड़ को ये एसेट मैनेज कर रही हैं, 46,000 करोड़ की एसेट मैनेजमेंट है। और देखिए ये इन्होंने बताया हुआ है कि थर्ड इन रिटेल सेगमेंट के अंदर है ये, और फोर्थ इन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। और देखिए इन्होंने बता रखा है कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है आउट ऑफ 36 स्टेट, इन्होंने आउट ऑफ 36 स्टेट इन्होंने 35 स्टेट्स को कवर कर लिया है। आउट ऑफ 731 सिटीज़ 694 सिटीज़ को ये कवर कर चुके हैं। और तैलुकाज़ के अंदर देखिए 5200 तैलुकाज़ हैं, ऑलमोस्ट ये 4800 तैलुकाज़ को कवर कर चुके हैं। और जो पिन कोड्स की बात कर रही हैं, मोर देन 19,000 पिन कोड्स हैं, और ये 16,000 पिन कोड्स को ये कवर कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये है कंपनी का मोटा मोटा बिजनेस सेगमेंट। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंस की, फंडामेंटल्स की। तो फ्रेंड्स फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं इस कंपनी का, तो देखिए मैं आपको यहाँ क्लियर दिखाना चाहूँगा। अभी ये कंपनी का जो मार्केट कैप है सिर्फ 2700 करोड़ रुपए का है, और जो कंपनी अभी ट्रेड कर रही है वो कर रही है 34 की पी पे, ये थोड़ा सा ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, लेकिन फ्रेंड्स क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस कंपनी की, और बिजनेस मॉडल मुझे काफ़ी पसंद आया। और इसकी फेस वैल्यू है 5 रुपये, और जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0.15। और देखिए कंपनी का आरओई देखिए 40, कंपनी का आरओसी देखिए 52, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 77, कंपनी की 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 54%। इसके अलावा मैं आपको और चीज़ दिखाना चाहूँगा, देखिए प्रमोटर होल्डिंग है 58%, DIs होल्डिंग है 10%, और FIs होल्डिंग है 1.1%, अर्निंग पर शेयर है 19, और पिछले 3 सालों का प्रॉफिट आ रहा है एवरेज में 54। डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए सिर्फ 0.06, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी। कैश कन्वर्जन साइकिल देखिए 74 का, ये काफ़ी अच्छा है एक नई कंपनी के लिए। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा आगे देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो कंपनी की सेल लगातार इंक्रीज होती जा रही है। देखिए कहाँ 2019 में 225 करोड़ की सेल थी, फिर 236 करोड़ की हुई, फिर 295 करोड़ की, अब 458 करोड़ की। और अगर आप नेट प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स कहाँ 21 करोड़ का प्रॉफिट था 2019 में, फिर 28 का हुआ, फिर 45 का, और फिर 80 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा कंपनी के अंदर ग्रोथ आ रही है, और ये यहीं ये दिखा रही हैं देखिए कंपनी की जो 3 साल की सेल ग्रोथ है 27%, और जो करंट 12 ईयर्स के अंदर जो सेल ग्रोथ आ रही है वो आ रही है TTM के अंदर 55%, और जो 3 सालों का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो आ रहा है 55%, और करंट ईयर की 12 मंथ्स की TTM की प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है 77%। और कंपनी का आरओई और आरओसी काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी मेंटेन करता है इस कंपनी की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये कंपनी ग्रोथ बास्केट और क्वालिटी बास्केट को कंप्लीट करती हुई मुझे नज़र आ रही है, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट रहती है किसी भी शेयर को सेलेक्ट करने से पहले, तो वो दोनों ही रिक्वायरमेंट ये कंपनी पूरा कर रही है। अब मैं आपको लेकर चलना चाहूँगा टिकर के अंदर, टिकर फ्रिनोलॉजी के अंदर। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इस कंपनी की आपको रेटिंग दिखाना चाहूँगा, देखिए 5 out of 5 star रेटिंग है इस कंपनी की, तो डैट इज़ ए वेरी गुड साइन। देखिए स्टेबल ये बता रही हैं, इसकी जो ओनरशिप है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, अभी रिसेंट IPO आया है और अभी से ही जो ओनरशिप है वो काफ़ी स्टेबल है, और वैल्यूएशन देखिए काफ़ी अट्रैक्टिव बता रही हैं ये। और जो इसकी एफिशिएंसी बता रहे हैं जो कि आरओई आरओसी को मिलाकर बनती है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और फाइनेंशियल्स की बात करें ये आने वाले टाइम में आपको ये इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे। और देखिए इसने 6 मंथ के अंदर अभी जो रिटर्न दिया है
6 मंथ के अंदर जो अभी रिटर्न दिया है 25% का रिटर्न दिया है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और मार्केट आपको भी पता है पिछले 6 महीने से तो मार्केट बिल्कुल भी कुछ खास नहीं कर पाई है, और डेफिनेटली काफ़ी अच्छा ये परफॉर्म कर रही हैं। और ये यही बता रहे हैं, इनकम ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, आरओई आरओसी जो कि मैंने आपको भी बता दिया है, और रिटर्न ऑन एसेट्स देखिए तो 24%, तो काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा अगर आप प्रमोटर होल्डिंग पे आएंगे तो देखिए ये तो आप देखेंगे जो कि मैंने आपको बताया था 58% है, पब्लिक के पास 29% शेयर हैं, एफआईज़ के पास 1.13% शेयर हैं, और डीआईज़ के पास 10% का शेयर है, कोई भी प्लेजिंग नहीं है। और स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें इस कंपनी की तो देखिए ये बता रहे हैं रिटर्न ऑन एसेट्स काफ़ी अच्छी हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा है, और कंपनी ने आरओसी काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। इसके अलावा जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है उसका भी काफ़ी अच्छा बता रहे हैं, और जो लिमिटेशन की बात है सिर्फ एक ही लिमिटेशन ये बता रहे हैं इस कंपनी में कि जो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट अगर हम कंक्लूड करें इस कंपनी को तो काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और अब मैं आपको इसका चार्ट भी दिखाना चाहूँगा। तो देखिए ये कंपनी का चार्ट है, अगर आप देखेंगे ये कंपनी जस्ट अभी लिस्टेड हुई है, तो अब ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देती हुई नज़र आएगी। और देखिए अभी यहाँ ये 17 बता रहे हैं, लेकिन जो टिकर फिनोलॉजी का चार्ट है उसमें 25 बता रहे हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब कि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जिन फ्रेंड्स ने आईपीओ के अंदर जिनको एक शेयर आए हैं जिन्होंने लेकर रखे हुए हैं तो डेफ़िनेटली इसको होल्ड कीजिए, और जिन फ्रेंड्स ने ये शेयर नहीं लिए हैं तो डेफ़िनेटली आप इसके अंदर पार्टिसिपेशन कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। और फ्रेंड्स ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है, आप प्लीज़ एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, डेट इज़ आवर पर्सनल ओपिनियन। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।